ग्रेजुएशन के लिए रवाना हो गए हैं, बल्कि पहुंच गए हैं। हाजिया को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है बच्चे। हाजिया 24. कुछ कहना चाहोगे फर्स्ट टाइम व्लॉग में आकर? फाइनली हाई स्कूल ओवर। फाइनली हादिया का फेस रिवील हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज मेरी माशाल्लाह से बड़ी बेटी की ग्रेजुएशन पार्टी है। जॉब से फारिग होकर घर आई हूँ, घर आके मैंने चेंज किया है और यहाँ पे अब टाइम हो रहा है अबाउट 4:00 PM। तो बस अभी बस चेंज करके तो नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद तो आज का जो मेरा मेन्यू है वो है अचारी चने पुलाव विद जर्दा। और जर्दा जो है वो मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बन रहा है। हुरम बड़ी एक्साइटेड है, हुरम को भी मेरा भी शावर देना है। हुरम इसलिए एक्साइटेड है, हुरम आप क्यों एक्साइटेड हो? अस्सलाम वालेकुम पहले करो। अस्सलाम वालेकुम। आप एक्साइटेड क्यों हो जान? हादे किसको जाने के लिए? हाँ जी जी, मेरा बेटा इसलिए बहुत एक्साइटेड है कि उसने आज अपने आपू के स्कूल जाना है। किस लिए जाना है? गुड गर्ल, क्योंकि आज हादिया अपू की ग्रेजुएशन पार्टी है। तो हसन गए हुए हैं उसके लिए बुके या फिर बलून जो मिल गया वो लेने गए हुए हैं, ताकि फिर हम लोग टाइमली सब कुछ ला के रख लें। क्योंकि यहाँ पे ना पार्किंग का बहुत इशू हो जाता है जब हम लोग स्कूल के किसी भी इवेंट में जाएँ ना, तो आपको पार्किंग नहीं मिलती है। इवेंट हॉल जो है उधर पार्टीज़ जो है वो अपनी करते हैं, लेकिन हमारा स्कूल का अपना बहुत बड़ा है, तो ये शुक्र हो गया कि हम लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है, बल्कि ड्राइव लेस देन 5 मिनट, क्योंकि बिल्कुल सामने हमारे घर के पास ही है। तो चले जी नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। यहाँ जी मैंने प्याज़ों को फ्राई करने के लिए रख दिया है। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक डालूँगी, फिर हरी मिर्ची और ज़ीरा डालूँगी साबुत, और फिर टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह भूनूंगी, और फिर चने और थोड़ा सा दही डालकर मैं यही यूज़ करती हूँ। तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें छोटे साइज़ के भी मिलते हैं, बड़े साइज़ के मिलते हैं। मसाला खुश करूँगी और इसमें दही भी डालती हूँ, टमाटर भी डालती हूँ, और इसका मसाला खुश करके अब मैं इसमें मिक्स पिकल, जो अचार होता है ना वो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, मिक्स पिकल अचार डाल के तो फिर मैं इसके अंदर चावल डालूंगी, और फिर मैं जब दम पे रख के तो मैं आपको उसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, चावलों को दम लग गया है और खिले खिले चारी चना पुलाव, काबरी पुलाव बोलते हैं, चना पुलाव बोलते हैं, जो बोलते वो रेडी है। और यहाँ पर मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ, ये भी एडिशन हो गया है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा देखिए चिकन कोरमा भी रेडी हो गया। यहाँ पर आपने राइस भी देखिए भी रेडी हो गए। अब मैं रेडी कर रही हूँ जर्दा, और जर्दे के बाद फिर मैं खुद रेडी होंगी। नहीं तो मैंने जर्दा रेडी कर लिया है, राइस सैला राइस को मैंने कंप्लीट बॉयल कर लिया। सो मैंने इनको ये 3 कलर्स दे दिए हैं, रेड येलो ग्रीन, यहाँ है शुगर, और यहाँ पे मेरे सारे जितने भी नट्स आप जो लाइक करें उनको मैंने हल्का सा देसी घी में फ्राई करके निकाल लिया है। ये जर्दे की फाइनल लुक, और ये पुलाव चने वाला, और ये बीच में घूमता हुआ अचार। जी खाने शाने बना के हम लोग अब खैर से फटाफट रेडी हुए हैं, और हम लोग ग्रेजुएशन के लिए रवाना हो गए हैं, बल्कि पहुंच गए हैं। और हसन के हाथ में, उनसे पूछ लेते हैं, हसन के हाथ में हादिया का गिफ्ट है, हानिया के भी हाथ में हादिया का गिफ्ट है। लोग आ गए हैं और उनकी अभी वॉक स्टार्ट हुई है, और अभी मैं सीट पे भी नहीं बैठी हूँ, मुझे पता ही नहीं है मेरी सीट कहाँ पे है। मैंने कहा चले मैं ये मिस ना कर दूँ। देखते हैं हादिया कहाँ पे है, अभी मुझे नज़र बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि सब बच्चे जो है वो एक ही जैसे लग रहे हैं। Thank you.
बच्चे जो बैठ रहे हैं ये सब जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, डिफरेंट सेक्शन है लेकिन क्लास इनकी एक ही है। तो अब ये सब अपनी सीट्स पे जब बैठ जाएंगे इस तरह, तो फिर इसके बाद जो है वो आगे जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे, लाइक सर्टिफिकेशन देना और जो भी इन्होंने देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से रश। आलिया, हुरा, ये मेरी बेटी, क्या पहले आया मेरा बेटा? हाजिर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है बच्चे। Jennifer will be attending the University of Texas in Dallas to obtain a degree in biology. आपने आदिया को वेव करना है कि आप यहाँ बैठे। एमा राइली फर्नांडिस, आवाज दो आदिया को। जॉर्डन जेम्स फर्नांडिस, present to you the graduating class of 2024. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम।
थैंक यू। पिक्चर ले रहे थे, मैंने कहा चले फोन पिक्चर खिंचवाई जाए। हम फोन लेके आ रहे हैं, तुम्हारा गिफ्ट लेके आ रहे हैं ना बाबा। अच्छा मैं फोन ले आऊं पहले, वो आप मुझे बाहर मिले वहाँ पे। नहीं नहीं यही होना, और भी यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट है। ये मामा पापा की तरफ से सरप्राइज, ये फाइनली हादिया का फेस रिवील हो गया। हादिया आप मेरी मिलना, मिलो ना हादिया। हानिया आप भी दो, चलो फोटोशूट हो रहा है यहाँ पे बच्चों का। अपनी बेटी की कैप सेट करते हुए, अपनी बेटी की कैप सेट करते हुए हसन। फोटोग्राफर क्या कर रहे हैं आप? सेट कर रहा हूँ। आप हमारे यहाँ पे शूट हो रही है तो सारे यहाँ पे मसरूफ हैं शूट में। ये भूख लगी है, खाना घर जाए खाने के, मामा ने इतना अच्छा बनाया है तो हादिया की खुशी में बनाया है। यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, माँ और बेटी जो है खुशी में किसी को देख ही नहीं रहे हैं ये। तैयबा कुछ कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि हादिया की अभी जो है ना फ्यूचर का फर्स्ट स्टेप जो है ना अभी ये स्टार्ट हुआ। स्कूल तो हलवा था, अभी जो स्टडी है स्टार्ट एक्चुअल वो अब हुई है। और जिस तरह हादिया हमें तुम्हारे जो हादिया को पता है कि मामा को किस टाइप की ग्रेड्स चाहिए होती हैं, तो हमें आप ये ग्रेड्स जो है ना आगे भी इसमें ही चाहिए, पहले से ज़्यादा अच्छे चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब दुआ कीजिएगा हादिया के लिए कि अल्लाह मियां इसकी ड्रीम्स को कम शुरू करे अल्लाह मियाँ, क्योंकि जो हादिया बनना चाहती है अल्लाह मियाँ इसको बनने की तफ़सीलता फरमाए और इसको बताए कि मामा पापा क्या चाहते हैं और ये उसके ऊपर पूरा उतरे। आपके लिए खुश हो, कितनी बहुत ज्यादा, आपने भी तो ग्रेजुएशन की है, आपकी ग्रेजुएशन भी तो हुई है 5th क्लास की। पुरो आपको को कुछ कहोगी, क्या कहोगी आपको का, आपको को मुबारक हो। हमारे लिए एक्चुअल ग्रेजुएशन वो होगी जब हादिया कुछ बन के अपना सर्टिफिकेट लेकर आएगी और बताएगी कि मम्मा मैं जो हूँ आपकी ड्रीम्स और अपनी ड्रीम्स पे पूरी उतरी। और हादिया इतनी दूर दादो को बहुत फिक्र थी, उनके लिए कुछ कहोगी दादा दादो को? जी मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और थैंक यू सो मच, सारी दुआओं के लिए आपकी वजह से मैं यहां पे हूं। अस्सलाम वालेकुम, एक और नया दिन और व्लॉग वही पहले वाला चल रहा है। तो जैसे कि आपको बताया और आपने देखा भी है पीछे कि ग्रेजुएशन का सीज़न चल रहा है, तो कल हादिया की ग्रेजुएशन हम लोगों ने इनकी स्कूल सेरेमनी से पहले कर दी थी और अब कल इनकी स्कूल ग्रेजुएशन हुई है। उसके बाद अब एक और हादिया के फ्रेंड के ग्रेजुएशन पे हम लोग इनवाइटेड हैं, पे हम लोग आ गए हैं, तो मैंने कहा चले आपके साथ वो भी आज का दिन दिखा के तो फिर अपना दिन आपके साथ स्पेंड करते हैं। आज का भी दिन तो नहीं शाम, हाँ आप क्योंकि सारा दिन सोए रहे हैं, कल रात को घर में जो है आके वापस तो फिर कुछ ना कुछ चलता रहा और फिर लेट सोए, फिर सुबह जल्दी लेट उठे। तो बहरहाल जी हादिया की स्कूल की ग्रेजुएशन हो गई, एक नया दिन का आगाज़, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया, एक नया स्टेप आ गया जो है वो स्कूल से निकल के अब कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी। ये देखिए जी ये उसका बच्चे का सेटअप है और वहाँ पे सारे बच्चे खड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे जो है वो डिज़र्ट टेबल है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ लाइक क्या क्या है डिज़र्ट में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में एक और नए दिन के साथ। व्लॉग वही पुराना चल रहा है
और दिन नया है। आपको जैसे कि पहले भी बताया कि ये ग्रेजुएशन सीजन चल रहा है, तो अब एक और जो है वो ग्रेजुएशन पार्टी है आज, और हमारी तैयारी है। हमने कहा ये सारी ग्रेजुएशन एक ही जगह इकट्ठी कर देते हैं, ताकि जो है आप भी हमारे साथ देखें कि हम लोग किन किन घरों में कहाँ कहाँ पे जाके हम लोगों ने खाबे खाए हैं और यहाँ पे लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं ग्रेजुएशन जी, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है बच्चे का एक मतलब जो है वो नई लाइफ में। तो बहरहाल जी आज एक और बच्चे की हादिया के क्लास फेलो की ग्रेजुएशन पार्टी है। हाँ, मुझे बहुत मजा आएगा वहाँ, और इनको बहुत मजा आएगा वहाँ पे। हालांकि हम नहीं जानते कि इनके जितना कोई बच्चा है भी के नहीं। और तैमी आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ भी नहीं, बस ये कहना चाहूंगी कि तैयार हो के थक गए, तैयार हो के डेली जो है ना वो अब दिल नहीं कर रहा। आज जैसे संडे है ना, तो आज वेदर ही बड़ा खतरनाक था और रात को नींद भी नहीं पूरी हुई थी, और आज मैंने तैयार होने को दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर होना पड़ा। इस हफ्ते में ये थर्ड स्टॉर्म है यहाँ पे, एक जो है वो हरिकेन आया है और दो स्टॉर्म आए हैं, और आज भी बड़ी शदीद तूफानी बारिश हुई है। तो जी यहाँ पे ग्रेजुएशन का सेटअप है। कम हियर दिस वे। और इस बच्चे की ग्रेजुएशन है।